वक्त जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, आबकारी घोटाला मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की गिरफ्त में है। ईडी लगातार अरविंद केजरीवाल से सवाल जवाब कर रही है। जानकारी के मुताबिक कल रात 2 घंटे की पूछताछ में अरविंद केजरीवाल खुद पर लगे जितने भी उन पर आरोप लगाए जा रहे थे उनसे पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। प्रवर्तन निदेशालय के सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल ने पूछताछ में सहयोग नहीं किया, कोऑपरेट नहीं किया, जो जानकारी मिल रही है। 2 घंटे ईडी की टीम अंदर रही, 2-2 मंत्री वहां पर पहुंचे थे, सौरभ भारद्वाज, आतिशी, उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया। फोन, सब जो गैजेट्स हैं वो अरविंद केजरीवाल के, वो अपने कब्जे में ईडी ने ले लिए थे। पूछताछ की गई, सवाल दागे गए, लेकिन जवाब नहीं दिया गया अरविंद केजरीवाल की तरफ से, कोऑपरेट नहीं किया गया। दीपक बिष्ट हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। दीपक, आपके पास अभी क्या जानकारी, कौन कौन अभी सुबह से मिलने के लिए आया, आप बता रहे हैं, गोपाल राय अंदर है, क्या निकले हैं वो वहां से? देखिए पंकज, अभी तक वो वहाँ से उनकी मूवमेंट नहीं हुई है, क्योंकि जिस 2 जगह के गेट हैं यहाँ पर, और ये मुख्य जो गेट हैं, इन मुख्य गेट पर दोनों तरफ से सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। किसी की मूवमेंट यहाँ से अंदर नहीं हो सकती। ये कहा गया था कि गोपाल राय जब यहाँ से निकलेंगे तो इसी रूट से आएंगे, क्योंकि दोनों दरवाजे, दोनों मुख्य गेट जो है, हो सकता है कि उनके लिए प्रोटोकॉल के तहत दूसरा गेट खोला जा सकता है, लेकिन यहाँ पर बाकी कोई कार्यकर्ता नहीं दिखाई दे रहा। जिस तरह से जमावड़ा यहाँ पर करने की बात की जा रही थी देर रात, हमने जिस तरह से देखा था कि यहाँ पर भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे, नेता मौजूद थे आम आदमी पार्टी के, और लेकिन अब यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने पूरा एरिया जो है छावनी में तब्दील कर दिया है। पैरामिलिट्री फोर्सेस को अंदर तक डिप्लॉय किया गया है। साथ ही ये कहा जा रहा था कि जो भी अंदर जाएगा उनसे चेकिंग करके उन्हें अंदर जाने दिया जाएगा, चाहे वो राजनेता हो। अब अगर गोपाल राय अंदर होने की उनकी बात की जा रही थी, वो परिवार के साथ हैं ऐसा कहा जा रहा था, क्योंकि कुछ और राजनेता यहाँ पर आने थे, और इसको लेकर अगर वो यहाँ से निकलते हैं तो उनसे बात करने की हम पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि क्या उनकी मुलाकात हुई, क्योंकि सुबह से हम यहाँ पर हैं 6 बजे से। पंकज, यहाँ पर कोई भी ऐसा नेता आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ या फिर आम आदमी पार्टी के गठबंधन से जुड़ा हुआ कोई भी ऐसा नहीं। दीपक, एक इंपॉर्टेंट चीज आपसे जानना चाहेंगे। अभी आतिशी ने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने साफ ये कहा कि एक केजरीवाल को अरेस्ट करोगे, हजारों केजरीवाल सड़कों पर उतर आएंगे। आह्वान कर रही थी वो सीधे सीधे आम आदमी पार्टी से। ये पूरा का पूरा हमने हिस्ट्री में देखा है आम आदमी पार्टी की, कि जो मोमेंटम है वो सोशल मीडिया के जरिए क्रिएट करते हैं। कैसे बोला जा रहा है कि आप सड़कों पर आइए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए, कैसे आम आदमी पार्टी जो है वो आह्वान कर रही है? दीपक, जब फोन में डिस्टरबेंस आ रही है, दीपक से बात करने की कोशिश करेंगे हम। दीपक, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी। दीपक, मेरा सवाल यह था कि ये पूरा का पूरा जो मोमेंटम है वो क्रिएट करती है आम आदमी पार्टी सोशल मीडिया के जरिए, ज्यादा से ज्यादा लोग सड़कों पर आए। या आतिशी भी कह रही थी कि एक केजरीवाल को अरेस्ट करोगे, हजारों केजरीवाल सड़कों पर होंगे, कैसे कर रही है आम आदमी पार्टी? देखिए, सोशल मीडिया के जरिए जिस तरह से देर रात से लगातार अलग अलग तरीके से सोशल मीडिया के जरिए आम आदमी पार्टी के नेता लगातार लोगों से जुटने की बात कर रहे हैं कि हर सड़क जो है वो दिल्ली में हो, चाहे कहीं भी देश के दूसरे राज्यों में हो, वहाँ भर जाएगी। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर दिख रहा है, वो यहाँ पर अभी तक हम सुबह से यहाँ पर आवास के आसपास हैं और वहाँ पर कोई भी मूवमेंट आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की नहीं है। हालाँकि पुलिस का पूरा बंदोबस्त है, छावनी में तब्दील किया गया है, चाहे वो यहाँ पर का हो या फिर दिल्ली के दूसरे हिस्से हो, लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगातार जुटने की कोशिश की जा रही है, को बुलाया जा रहा है कि वो यहाँ पहुँचे, अलग अलग लोकेशन पर पहुँचे प्रदर्शन के लिए, तो ये इतना मुमकिन नहीं है, क्योंकि लोगों की जो आवाजाही है वो किस तरह से रहेगी, क्योंकि अमूमन लोग अपने कामों को निकलते हैं, वो प्रोटेस्ट की तरफ आएंगे या नहीं ये देखना होगा, क्योंकि सुबह से हम जिस तरह से आवास के बाहर है, यहाँ पर तो हमें कुछ नहीं दिखाई दिया, कोई कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद नहीं है। उसके अलावा जो दूसरे लोग हैं वो यहाँ पर आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर फिर भी कोई नहीं पहुँच सका। जो राजनेता यहाँ पर आने वाले थे, आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए नेता आने वाले थे, वो भी बिल्कुल, तो अभी तक सिर्फ अंदर गोपाल राय हैं, जैसा कि दीपक बिष्ट बता रहे हैं। कुछ देर में निकलेंगे, आईटीओ पहुंचेंगे, जहां एक तरह से बुलाया गया है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को। आनंद तिवारी, ओपी तिवारी, मेरे दो सहयोगी इस वक्त ईडी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। अंदर से क्या कुछ खबर आ रही है आनंद? और साथ ही साथ अब लगभग 1 घंटा होने को आया है, 9:20 के करीब आपने बताया था पूछताछ का सिलसिला शुरू किया है, दूसरे राउंड का ये जो पूछताछ का सिलसिला है शुरू हुआ है, और इस वक्त संबित पात्रा कुछ कह रहे हैं, जरा पहले वो सुन लेते। जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं, आखिर ये जेल क्यों नहीं जा रहे हैं? इनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है? और उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, हिंदुस्तान की राजनीति को बदलने के लिए मैं मैदान में उतर रहा हूं। जहां भ्रष्टाचार होगा वहां अरविंद केजरीवाल जिस प्रकार सहनशाह उतरते थे ना रात के अंधेरे में, और कहीं पाप होता था, कहीं भ्रष्टाचार होता था, कहीं गुंडागर्दी होती थी, तो शहनशाह उसे समाप्त कर देते थे, वो जो मूवी आई थी, उसी प्रकार अरविंद केजरीवाल कुछ उस किस्म से नीचे उतरे थे कि वो शहनशाह बन के आएंगे और भ्रष्टाचार को समाप्त कर देंगे।
अन्ना हजारे जैसे दिग्गजों का भी उनके ऊपर आशीर्वाद था। बाद में अन्ना हजारे जी ने ही अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चिट्ठी लिखी। 2013 में जो प्रश्न अरविंद केजरीवाल जी ने पूछा था कि भ्रष्ट लोग जेल कब जाएंगे, आज एक मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का, मैं कह सकता हूं कि 10 वर्षों के शासनकाल में इस देश ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखा। ये जो बड़े बड़े राजनेता सोचते थे कि हम कुछ भी करेंगे, करोड़ों खरबों का घोटाला कर लेंगे और हम एक परिवार की तरह रहेंगे, मैं तुम्हारा पीठ खुजाऊंगा तुम मेरी पीठ खुजाना और हम में से कोई जेल नहीं जाएगा, हम सब बच के रहेंगे, ये अब नहीं होने वाला है। मिस्टर केजरीवाल, पीपल आर गोइंग टू जेल एंड इफ यू आर करप्ट पीपल विल कंटिन्यू टू गो टू जेल। अगर आप भ्रष्ट हैं तो आप जेल जाएंगे। अब की रीत अलग है, अब की नीत अलग है। आखिरकार अरविंद केजरीवाल जेल क्यों गए, उन्हें गिरफ्तारी उनकी क्यों हुई, क्यों गिरफ्तार करना पड़ा? लिकर स्कैम, शराब घोटाला। ये शराब घोटाला दिल्ली का क्या घोटाला है, कब शुरू होता है, इसकी टाइमलाइन और जिसे हम कहते हैं क्रोनोलॉजी क्या है? नवंबर 2021 में अरविंद केजरीवाल अनाउंस करते हैं कि हम एक न्यू एक्साइज पॉलिसी अर्थात दिल्ली में एक नया शराब नीति लेकर आएंगे, आबकर नीति लेकर आएंगे, एक्साइज पॉलिसी, जिससे कि जो दिल्ली की एक्सचेकर है, दिल्ली का जो खजाना है, वो करोड़ों रुपए से लबालब हो जाएगा, भर जाएगा और दिल्ली को बहुत लाभ होगा। मगर आनन फानन में बिना कैबिनेट के अप्रूवल के और बिना सरकारी अप्रूवल के, जबकि सरकारी डिपार्टमेंट ने कहा था, एक्सपर्ट्स ने कहा था, ये जो आप एक्साइज पॉलिसी ला रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन करने की बात कर रही है, उचित नहीं है, मत करिए फंसोगे, ये सब कुछ ताक में रख करके फिर भी नवंबर 2021 में नई एक्साइज पॉलिसी आती है। जुलाई 2022 में दिल्ली के जो चीफ सेक्रेटरी थे, जो भारतीय जनता पार्टी को दिए गए, कहने का मतलब ये है, एक आरोप तो अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी पे है कि मनी ट्रेल नहीं है, ईडी मनी ट्रेल नहीं दिखा पा रही कि पैसा आम आदमी पार्टी के पास आया। मनी ट्रेल तो भारतीय जनता पार्टी तक पहुंच रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रेल है, साबित है। अगर ईडी कहती है अरबिंदो फार्मा के शरत रेड्डी ने हवाला किया, पीएमएलए किया, मनी लॉन्ड्रिंग किया, तो उनका पैसा तो सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के पास 30 करोड़ रुपए आया। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम तो भारतीय जनता पार्टी के पास जा रहा है, सबूतों के साथ जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आ गई ये बात, और आरोपी अरविंद केजरीवाल को बनाया जा रहा है, मनी ट्रेल भारतीय जनता पार्टी तक जा रही है। मैं नहीं जानता कि कोर्ट आज इन चीजों को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, मगर जनता ये सब देख रही है, ये चीजें सब पब्लिक डोमेन के अंदर है। मैं भारत की जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को खासतौर पर निवेदन करूंगा, जो कल से अरविंद केजरीवाल को गाली दे रहे हैं, जो खुशियां मना रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कुछ समर्थक कि अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दी, आप जरा ये भी देख लीजिए कि ये पैसा तो भारतीय जनता पार्टी की तिजोरी में आया है। आप ये नैतिकता का सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछ नहीं पाएंगे, मुझे मालूम है। अरविंद केजरीवाल जी के दोस्त हैं, उनको पहले लीक कर दी गई, फिर उसको ट्वीक किया गया, उसमें बदलाव लाया गया ताकि शराब कंपनी अपने मन मुताबिक इन कानूनों में बदलाव लाए सके। जो ब्लैकलिस्टेड कंपनी होती है उनके लिए कानून में प्रावधान है कि वो इस टेंडरिंग प्रोसेस में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मगर बड़ा दुखद और आश्चर्यजनक विषय है कि न केवल उन्होंने अप्लाई किया अपितु उन्हें इस पूरे ठेके में शामिल किया गया। केवल इतना ही नहीं, आपको जान के आश्चर्य होगा कि यह हर कोई जानता है, वैसे आश्चर्य आजकल होता नहीं है अरविंद केजरीवाल और भ्रष्टाचार के विषय में सुनने से, जो कमीशन इन शराब ठेकेदारों का बढ़ाया गया, पहले ये 5% पे था, 5% कमीशन ठेकेदारों को दिया जाता था, 12% कमीशन कर दिया गया और इसमें बातें सामने आई कि लगभग 6-7% कमीशन। फैमिली मेंबर्स ऑफ द चीफ मिनिस्टर, दिस इज शेमफुल, दिस इज
नॉट इवन द मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ मोरालिटी विच इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ सेंट्रल गवर्नमेंट. दिस इज टॉर्चरिंग द पेरेंट्स एंड द फैमिली ऑफ अरविंद केजरीवाल. दिस इज पुटिंग अ साइकोलॉजिकल प्रेशर ऑन देम. And I'm very afraid. एक दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी की माता जी अस्पताल से आई हैं, एक दिन पहले. ये बात अरविंद जी ने नहीं बताई, कोर्ट में भी बता सकते थे, कोर्ट में नहीं बताई ये बात, क्योंकि मामला न्याय का था. मैं आज आपको बता रहा हूं कि एक दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी की माता जी अस्पताल से आई हैं, बेटे को जेल ले गए हैं और किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा, ताकि वो सोचें, परेशान हो कि भाई हमसे तो कोई मिलने ही नहीं आ रहा, हमसे तो कोई बात ही नहीं करने आ रहा, क्या हम पूरी दुनिया में इतने अकेले हो गए एक बेटे की गिरफ्तारी से. ये बहुत शर्मनाक है. उनके स्टेटमेंट से लग रहा है कि आप भी इसमें हिस्सेदार हैं, तो आप आइए और हमारे सामने पेश होइए. आपको ये हम लिबर्टी देते हैं, आप अपने विषय को रखिए. समन नंबर 1 जब अक्टूबर 23 को आया, तब से लेकर अब तक 9 समन आए हैं. आश्चर्य का विषय है, एक भी समन में अरविंद केजरीवाल नहीं जाते हैं. अरविंद केजरीवाल जी की वो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट रहती है और वो बार बार कहते हैं कि ये इलीगल है, ये समन इलीगल है, इस समन के आधार पर मैं प्रस्तुत नहीं हूँ. मैं कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं हूँ, मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, मुझे कैसे समन किया जा सकता है. आज गुरूर टूटा है. इस देश का कानून कहता है, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे आम आदमी हो, यदि आपने कानून के मुताबिक काम नहीं किया है, कानून को तोड़ा है और समन किया जाएगा, तो आपको समन का सम्मान करना है, आपको आके प्रस्तुत होना है. अरविंद केजरीवाल नहीं आए. बीच में क्या हुआ आप देखिए, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, इन सारे विषयों को लेकर कई बार, ऐसा कोई कोर्ट हिंदुस्तान में बाकी नहीं है जिन कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई इनकी बेल को लेकर और शराब घोटाले के विषय को लेकर. मुझे लगता है हम तो पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे ऊपर बायसनेस का आरोप लग सकता है कि चलिए आप बीजेपी से प्यार करते हैं, आम आदमी पार्टी आपकी ओपोनेंट है, आप तो बायस्ड बयान देंगे. बट द कोर्ट्स आर नॉट बायस्ड. आई हैव स्टेटमेंट्स ऑफ द कोर्ट इन माई हैंड. वॉट इज द कोर्ट से इन केस ऑफ सिसोदिया'स बेल, मिस्टर सिसोदिया प्लेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइटल रोल इन द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड हैड बीन डीपली इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मुलेशन एज वेल एज इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सेड पॉलिसी टू एंश्योर अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सेड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी. कोर्ट कहती है कि जो सिसोदिया साहब है, एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुआ दिल्ली की जनता को लूटने का, और इस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में सिसोदिया साहब संलिप्त है. सिसोदिया साहब को बेल नहीं दिया जा सकता है और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में वो अक्यूज्ड है. आप सोचिए, ये दिल्ली की कोर्ट कहती है, ये छोटा विषय नहीं है. दिल्ली हाईकोर्ट क्या कहता है? दिल्ली हाईकोर्ट कहता है एलिगेशंस आर वेरी सीरियस इन नेचर. जब बेल को रिजेक्ट किया गया और सारे तथ्यों को देखा गया, तथ्यों के आधार पर सुनवाई हुई, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, दीज एलिगेशंस आर वेरी सीरियस इन नेचर. इतने सीरियस एलिगेशंस हैं और आम आदमी पार्टी नाटक नौटंकी करने में लगी है. शुड देयर बी एन इन्वेस्टिगेशन, अ फेयर इन्वेस्टिगेशन एंड एलिगेशंस दैट आर सीरियस, और शुड देयर बी हाई ड्रामा, हाई वोल्टेज ड्रामा on allegations that are serious. This is for the people of Delhi and this is for the people of the country to decide. Investigation mahatvapurna hai ya drama mahatvapurna hai, jab allegations bahut serious hain, ye Hindustan ke liye sochne ka vishay hai. Keval itna hi nahi, Sarvochch Nyayalay, Supreme Court mein jab ye pura vishay jata hai, Manish Sisodia ji ke bail ka, excise policy ke case mein Sanjeev Khanna, Justice Sanjeev Khanna, उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में एक वाक्य कहा जो यहां मैं पढ़ना चाहूंगा और जो मुझे लगता है इट वॉज द मेन रीजन एज टू वाई द होल ऑफ कंट्री टूडे नोज द फैक्ट. इट वॉज द नेल इन द कॉफिन एंड द सेंटेंस इज, जस्टिस खन्ना एस सी सेड, वन एस्पेक्ट रिगार्ड टू द ट्रांसफर ऑफ मनी
338 crore is tentatively established. We have dismissed the bail. बेल को खारिज करते हुए मनीष सिसोदिया का सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस खन्ना ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, एक मनी ट्रेल एस्टैब्लिश हुआ है और वह भी 338 करोड़ रुपया का मनी ट्रेल एस्टैब्लिश होता है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू यह सुप्रीम कोर्ट तक महसूस करती है और तभी मनीष सिसोदिया को बेल नहीं देती। जिस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने मनी ट्रेल के बारे में बात की,